हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम आपको 40/60 है, बट कंस्ट्रक्शन जो है ना 30/40 में बना हुआ है। इस घर का जो है पूरा वॉक थ्रू आपको दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर दो। एंड आज तक इसको कितना लेबर खर्चा आ चुका है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कॉलम का साइज़ कितना लिया हुआ है, और 3 मंजिला इमारत बनाना है आपको तो कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, कितना लोड आपको रेत चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड वाटर पानी को स्टोर करने के लिए सम्प है। यहाँ पर वेल, बोरवेल, और इधर सेपरेट टैंक। यहाँ से एंट्रेंस है घर के अंदर। अभी तक जो है आपको इस टाइप का एक घर कंस्ट्रक्शन करना है तो अराउंड 70-80 लाख रुपीज़ आराम से चाहिए, और विथ फर्नीचर एंड उसके अलावा जो है बैक साइड एरिया वो सब कंस्ट्रक्शन करना है तो 80 लाख रुपीज़ इजीली चाहिए। एंड इसको बनाने के लिए आपको अराउंड 2 इयर्स तो ज़रूरी है, बिकॉज 2 इयर्स तक तो टाइम चाहिए आपको। एंड इसका जो लेबर कॉस्ट रहता, सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस घर में जो इस्तेमाल किया गया कॉलम का साइज़, जो कॉलम का साइज़ है 9x15 इंच का कॉलम, 16mm का 8 बार इस्तेमाल किया गया। जो रिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो है 8mm का रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया इस घर के लिए। एंड जो वर्कर का कॉस्ट की बात करें तो वर्कर को जैसा प्लास्टर का वर्क रहता है, सेंटरिंग वाले का अलग रहता है। सो सेंटरिंग वालों का जो कॉस्ट है पर स्लैब, यानी कि स्लैब, ये जो छत आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, स्लैब के लिए आपको पर स्क्वायर फीट 120 रुपीज़ के हिसाब से, फिलहाल जो 2022 में उनका रेट चल रहा है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। सो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो 1,20,000 का जो है उनका कॉस्ट होता है। एंड उसके अलावा बंदिश और गिलाव की बात करें तो यहाँ पर जो पीछे देख रहे हैं ये बंदिश है। बंदिश का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, या फिर 160 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो ये मल्टी स्टोरी ऐसे ही एक एक स्टेप बाय स्टेप, जो हर एक का चीज़, हर एक वर्कर का अलग अलग रेट होता है। सो अब मैं आपको घर का वॉक थ्रू दिखाता हूँ, लेट अस सी। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में क्या है, एक बड़ा सा हॉल 14x16 फीट तक, एंड एक विंडो नॉर्थ साइड 6-7 फीट x4 फीट। एंड उसके अलावा यहाँ से आप एंटर करते हैं किचन। किचन का जो ओपनिंग ज़्यादा ही रखा गया और वो सामने की तरफ थोड़ा स्टोर के लिए जगह मिल जाता है। यहाँ से आप एंटर करते हैं किचन। किचन के साथ साथ इधर आ जाएगा आपका पूजा रूम, ऐसी पूजा रूम आपका। किचन प्लेटफॉर्म, किचन यूनिट एरिया यहाँ पर रखा गया स्टोरेज के लिए लिंटर। अब आप एंटर करते हैं दो बेडरूम की तरफ। सो हॉल से एंट्रेंस दिया गया बेडरूम में। इधर आ जाएगा आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पे, और ये आ गया आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। सामने तरफ एक कॉमन बाथरूम, और एक बेडरूम। अब आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से एंट्रेंस दी गई है। अभी यहाँ पर जो है ब्रिक वर्क चल रहा है। ओके, इधर जो है नॉर्थ फेस दिया गया, नीचे ईस्ट फेस था, इधर नॉर्थ फेस।
यहाँ पर भी सेम उसी तरह का है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इधर जो है ओपन किचन, पूजा रूम, और इधर से जो आप एंटर कर सकते हैं बेडरूम में, ये वाला। इधर और एक बेडरूम, विथ अटैच्ड वाटर एंड बाथ।